हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू इन दिस चैनल। स्टूडेंट, क्लास 11 का ये इंग्लिश है। इस वीडियो में हम अगेन पैसेज वाले क्वेश्चन लेंगे प्रोज सेक्शन का। स्टूडेंट, आपको बता दें कि पिछला वीडियो हम जो चैप्टर वन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जो पोएम है ए फोटोग्राफ, उसका जो पैसेज और स्टेनजा टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आपके, वो अपलोड है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए उस प्लेलिस्ट को चेक करें और जा कर के उनको चेक करें। तो स्टूडेंट, आपको पता हो कि आपको प्रोज से भी और पोइट्री से भी ये आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसमें से आपको तीन प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रति प्रश्न तीन अंक दिए जाते हैं। तीन प्रश्न पर 9 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे प्रोज से भी और पोइट्री से भी। ये पैसेज टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं, व्हेन आई डिसाइडेड टू, से लेकर के बिटवीन अस तक। तो ये पैराग्राफ है स्टूडेंट, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, से लेकर के आपका बिटवीन अस तक। तो एक पैराग्राफ ए दिए जाते हैं और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जो कि इसी पैराग्राफ से रहेंगे और आसानी से आप जवाब दे लेंगे। तो आइए देखिए, कुछ प्रश्न को हम यहाँ पर तैयार किए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से हो सकता है, राइट द टाइटल एंड ऑथर नेम ऑफ द अबव पैसेज। तो आंसर लिखेंगे, द टाइटल नेम इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड ऑथर नेम इज खुशवंत सिंह। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पढ़ेंगे पाठ तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसी चैप्टर का है और इसके आथर ए है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन विथ रिफरेंस में समझा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखें, हु डिसाइडेड गो टू एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। तो एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, कौन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। ठीक है, तो यहाँ पैसेज में देखेंगे लिखा है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो आई डिसाइडेड, आई मैंने वो आथर की बात कर रहा है, लेखक जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने डिसाइड किया, तो इसका आंसर वही होगा। आंसर इसका द आथर खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, हाउ वॉज ग्रैंड मदर वेन सी वेंट एट रेलवे स्टेशन टू लीव द आथर। वो दादी माँ उस वक्त कैसी थी जब वो आथर को, लेखक साहब को, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई थी। देखें, जब आप पैराग्राफ चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक फॉर टॉक आर शो एनी इमोशन, यही इसका आंसर होगा। सो तो सी वॉज नाइदर इवन सेंटिमेंटल नॉर शो एनी इमोशन, वह न तो बहुत भाविक थी और न कोई इस प्रकार के उनके अंदर उस समय कोई भावना ही थी मुझे अलविदा करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स डूइंग, उस वक्त दादी माँ क्या कर रही थी। देखिए सेलेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर ढूंढिए तो मिल जाएगा, हर लिप्स मूव्ड प्रेयर एंड हीज माइंड वॉज लास्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी उस समय प्रार्थना में था, एंड फिंगर्स वेयर बिजी इन टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसरी, और उनकी जो अंगुलियां हो वो माला को फेरने में बिजी थी, व्यस्त थी। तो वही है, ग्रैंड मदर वॉज फेल इन प्रेयर, प्रार्थना में लीन थी, हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसरी, तो उनके जो अंगुलियाँ थी माला को फेरने में व्यस्त थी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पैसेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पिछले जो वीडियो हम पैसे से संबंधित बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और स्टूडेंट, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।